हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ बिजी होने के कारण मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन और साथ में आप सभी का एक कमेंट वाला वीडियो भी अपलोड करना है, जिसमें आप सभी का मैंने कमेंट्री टैब में डाला था कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, मैं जल्द ही इसका आपका जवाब देकर वीडियो के द्वारा बताऊँगा। तो टोटल लगभग 135 से 40 आपके कमेंट आ चुके हैं, जल्दी मैं उसको कोशिश करूंगा, जैसे ही मुझको टाइम मिलता है मैं आप सभी के क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी सॉरी बोलना चाहूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ बिजी हूँ, पहले ही बताया हूँ कि कुछ कारणों से मैं आप सभी का कमेंट भी नहीं पढ़ा, और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी का जल्दी जल्दी में कमेंट देख लेता हूँ कभी कभी, तो जब टाइम मिलता है तो उनका रिप्लाई वहीं टाइम दे देता हूं। लेकिन जल्दी आप सभी कमेंट का भी वीडियो आने वाला है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट, सरकारी पॉलिटेक्निक की 80% सीटें फुल, आपकी जो 80% सीटें फुल हो चुकी हैं, अमर उजाला ब्यूरो से आया हुआ न्यूज है। तो लखनऊ से देखते हैं क्या है अपडेट। पॉलिटेक्निक के प्रथम चरण की काउंसलिंग में सरकारी संस्थानों की 80% सीटें छात्रों को अलाट हो गई है। मतलब दोस्तों आपके अभी 80% सीट लगभग सभी स्टूडेंट को कॉलेज अलाट कर दिया गया, 80% सीट फुल हो चुकी है। पहले चरण की काउंसलिंग में करीब 80,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, इनमें से करीब 42,000 छात्रों को विभिन्न संस्थाओं में सीटें आवंटित की गई। सीट आवंटन के बाद अब छात्र सिक्योरिटी फीस जमा कर अपनी सीट पक्की करेंगे। एंड प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 27 जून से प्रारंभ हुई थी। सोमवार देर रात तक करीब 80,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया, इसमें से 42,000 छात्रों को विभिन्न कॉलेजों में सीट आवंटित किया गया। करीब 35,000 छात्रों को सरकारी संस्थानों में सीटें अलाट हुई हैं। दाखिले के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए, जिन छात्रों को सीट अलाट नहीं है उन्होंने कम संस्थानों का विकल्प भरा था। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फील करिए, जो लोग कम से कम कॉलेज चूज किए और ज़्यादातर उन्हीं को कॉलेज अलाट नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा रैंक है उनको ये प्रॉब्लम हो ही होगी। अगर उन लोगों का ज़्यादा रैंक था तो कॉलेज चूज करना था, चलिए अगर नहीं मिला है तो आप लोग सेकेंड राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करिए। एंड आगे देखते हैं, सीट के फुल होने की वजह से उनको कोई संस्थान अलाट नहीं हुआ, वे दूसरे चरण की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे कि दूसरे चरण में काउंसलिंग बैठ सकते हैं, तो लोग बिल्कुल बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको सीट आवंटित करा दी गई है बुधवार से 9 जुलाई तक आप तो सिक्योरिटी फीस जमा कराकर डॉक्यूमेंट सत्यापन करा सकते हैं। जिन्होंने बतौर सिक्योरिटी शुल्क 3,000 रुपये जमा कराया होगा, शुल्क जमा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित कॉलेजों में ही कराना होगा। शुल्क जमा और डॉक्यूमेंट सत्यापन, मतलब दोस्तों आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में कराना होगा जहां पर आपको कॉलेज अलाट हुआ है। यहां पर चाहे तो छात्र फ्लैट का भी ऑप्शन चयन कर सकते हैं, इसके तहत वे दूसरे चरण की काउंसलिंग में कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको नहीं पता है फ्लैट एंड फ्रिज क्या आता है ऑप्शन, तो अगर आपको नहीं पता, इसका वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं, यदि वे फ्लैट नहीं करना चाहते तो वे फीस जमा कर दाखिला करा सकते हैं। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी, तो दूसरे चरण का काउंसलिंग 10 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा। तो दोस्तों आशा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।